पूरे प्रदेश में ई पंचायतों को लेकर के बड़ी तनाव की स्थिति है। हर जगह पे जो ग्राम पंचायतें हैं या पंचायती राज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसका भारी विरोध कर रहे हैं और हर जगह पे इस चीज को लेकर के धरने प्रदर्शन इन लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें सरपंच, पंच और दूसरी पंचायती राज की संस्थाएं हैं वो लोग शामिल हैं। आज भी जिला स्तर पर हर जगह पर डीसी को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और उसके बाद जो सरपंच हैं उनके द्वारा सरकार को बड़ी चेतावनी दी जा रही है कि वो चंडीगढ़ का रुख भी कर सकते हैं। इस पूरे मामले में मेरे साथ जानकारी के लिए जुड़े हैं जींद जिला प्रधान है सुरेंद्र राणा। सुरेंद्र जी, आखिर ये मामला क्या है, ई पंचायतें होने से आप लोगों को दिक्कत क्या है? महोदय, ई पंचायत से हमें इतनी दिक्कत नहीं होनी थी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता उसके लिए। सरकार ने बिना किसी तैयारी के एक सिस्टम को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करी है, जिसकी न सरकार की तैयारी है न उसके लिए अभी सरपंच प्रिपेयर है। अभी सिस्टम ही उसके लिए तैयार नहीं है, एटमोस्फियर नहीं बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है, इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दीजिए, दूसरी जो पंचायत है वो सहयोग करने की कोशिश करे सरकार से, उसके लिए जो जरूरी सामान है उसकी मांग करे, इसकी बजाय की विरोध करने के। लेकिन आप लोग तो विरोध पर उतरे हुए हैं सुरेंद्र। महोदय, सरकार ने एक अल्टीमेटम दे दिया, सुनिश्चित तारीख डिक्लेयर कर दी 1 अप्रैल को इसे लागू करने जा रहे हैं। इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो देना जरूरी है, आवश्यक है। पंचायतों के विकास कार्य तो इसको लागू होने के तुरंत बाद एकदम ठप पड़ जाने हैं। लेकिन साथ के साथ सरकार कहती है कि इससे पारदर्शिता आएगी, कोई भी घपलेबाजी नहीं रहेगी, तो क्या इस चीज को लेकर के भी विरोध है? कहीं इस प्रकार की बातें सामने ना आ जाए कि पंचायतों में चल क्या रहा है। सत्यदेव जी, पारदर्शिता का हम स्वागत करते हैं और ना ही हमने कभी पारदर्शिता का विरोध किया है और ना ही आगे करेंगे। लेकिन जिस तरीके से काम किया जा रहा है पारदर्शिता के नाम पे, प्रथमतः सरपंचों के अधिकारों का हनन और दूसरा गांव के विकास में बाधक बनाने का कार्य किया जा रहा है इस ई पंचायत प्रणाली को, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी 1 अप्रैल से सरकार इसको लागू करने जा रही है। एज पर रूल हम ई प्रणाली के तहत पंचायतों को काम करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास संसाधन आप लोगों को नहीं सौंपे गए अभी तक कुछ भी। बिल्कुल, और संसाधन के बिना इस प्रणाली के तहत कार्य करना बिल्कुल असंभव है। देखिए, अगर ई प्रणाली की बात करें तो सुरेंद्र, साथ साथ जरूरत होती है, हर पंचायत में कंप्यूटर हो, कंप्यूटर को जानने वाले लोग हो उसको चलाने के लिए हो, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था अभी तक सरकार के द्वारा की गई है? मेरे अनुसार इसकी अभी इन चीजों की कम अज कम हमारे जिले में तो शुरुआत भी नहीं हुई है, और अभी सरकार शून्य पे खड़ी है। तो क्या सरकार के द्वारा पहले कोई तैयारियां इस प्रकार की नहीं की गई है कि भी पंचायतों को कंप्यूटर मिल जाए या कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था कर दी जाए? सत्यदेव जी, सरकार के द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया, हम 1 अप्रैल से पूरे हरियाणा में लागू करने जा रहे हैं। सरकार को पीछे मुड़के देखना चाहिए था, सरकार की जिम्मेदारी होती है व्यवस्था को बनाए रखने की। भाई, इसी चीज को हम लागू करने जा रहे हैं क्या, उसके लिए हमने एटमोस्फेयर तैयार कर दिया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, कुछ भी नहीं है, शून्य पे खड़े हैं। संसाधनों के अलावा अगर सुरेंद्र जी हम बात करें, क्या आप लोगों को कभी सरकार के द्वारा इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग दी गई है जिसमें आप लोगों को सिखाया जाए कि किस प्रकार से कंप्यूटर में अपने काम करने हैं, जो डाटा कंप्यूटर में चढ़ाए जाने हैं, या फिर जो आपके ग्राम सचिव होते हैं क्या उनको इस प्रकार की जानकारियां दी गई हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार की तरफ से, पंचायत मंत्रालय की तरफ से सरपंचों को किसी भी प्रकार की ई प्रणाली से संबंधित कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और जो सरकार के अनिवार्य शर्त है, सरपंच और यही शर्त सेक्रेटरी के लिए भी है, सेक्रेटरी भी ग्राम सचिव भी पंचायतों में ज्यादातर 10वीं और 12वीं के आसपास ही है, और ना तो वो लोग कंप्यूटर शिक्षा में निपुण है या सरपंच निपुण है, तो कौन करेगा इस चीज को लागू, कौन पंचायतों को ऑनलाइन करेगा? सरकार के द्वारा कुछ ऐसे आदेश किए गए होंगे कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर रख सकते हैं पंचायत खर्च पे, इस तरह की भी कोई बात आई हो सामने? पंचायत खर्च, हमारे प्रदेश में 80% पंचायत ऐसी है जिनके पास अपना फंड नहीं है। जिन पंचायतों के पास अपना फंड हो सकता है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले, लेकिन इसके लिए तो गवर्नमेंट को सहायता हो जाए कराना चाहिए ना, ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। बिल्कुल सुरेंद्र, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि आज आप लोग जिला स्तर पे किस प्रकार के प्रदर्शन करने वाले हैं या क्या कार्रवाई आप लोगों के द्वारा की जा रही है, उसके बाद की आपकी क्या प्लानिंग रहने वाली है? सत्यदेव जी, अभी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम माननीय डीसी साहब के माध्यम से माननीय सीएम साहब तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। जो हमारी मांगे है, सबसे प्रमुख मांग ई पंचायत का विरोध है,
उसके अलावा और भी कई हमारी पंचायतों से संबंधित समस्याएं हैं, वो माननीय डीसी साहब के माध्यम से केंद्र तक पहुंचाने का आज हम कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अभी आप लोगों के द्वारा जो ई प्रणाली शुरू की जानी है उसका विरोध किया ही जा रहा है। जी पूरी तरह। तो ये थे सुरेंद्र राणा जो कि जिला प्रधान है पंचायत संघ जींद के, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के द्वारा अभी तक ऐसी कोई सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जिसके बाद जिसके साथ वो ई प्रणाली को लागू कर सके, लेकिन इसके बारे में सरकार को सोचना तो जरूर होगा कि जब तक संसाधन नहीं होंगे तो ई प्रणाली कैसे लागू होगी। शुक्रिया सुरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।